नागपुर एग्रो डेवलपमेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में 2013 से हर साल वाइन एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस साल फेस्टिवल का 9वां साल है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन शनिवार को एक्साइज विभाग के SP मानपिया के हाथों किया जाएगा। इसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान नागपुर एग्रो डेवलपमेंट एसोसिएशन के दीपक खनुजा द्वारा दी गई है। उद्घाटन समारोह के बाद यह महोत्सव रात 10:30 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। प्रवेश प्रति व्यक्ति ₹700 और ₹1200 प्रति युगल प्रतिदिन 4 दिसंबर 2022 को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर रात्रि 10:30 बजे तक महोत्सव होगा। इस साल महाराष्ट्र से 10 विजेता भाग ले रहे हैं। वेसुला, गोवा, जंपा, फ्रुजांटे, फ्रेटिली, रेसवेरा वाइनरी, रिदम वाइनरी, गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स, यॉर्क वाइनरी, विनलैंड वाइनरी, मूनशाइन वाइनरी है। वाइन स्टॉल के अलावा विदेशी व्यंजन प्रदान करने के लिए 7 फूड स्टॉल होंगे, जो ज्यादातर विभिन्न वाइन के साथ परफेक्ट फूड पेयरिंग के रूप में उपलब्ध होंगे। नागपुर में वाइन फेस्टिवल है 3rd और 4th को। ये जो हो रहा है ये भगवती पार्क त्रिमूर्ति नगर में हो रहा है। 3rd को यानी सैटरडे को ये 5:30 को स्टार्ट होगा, 10 बजे खत्म होगा। संडे को ये 12 बजे से शुरू हो जाएगा और रात को 10 बजे खत्म हो जाएगा। इस बार वी आर हैविंग यानी हम लोगों ने इस बार 10 वाइनरी स्टॉल्स है। हमेशा 7-8 कभी 6 रहे हैं, लेकिन इस बार 10 वाइनरी स्टॉल। 10 वाइनरी स्टॉल यानी ज़्यादा वाइन टेस्टिंग मिलेगी कस्टमर, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए। जैसे आपको पता है कि हम लोग ईच एंड एवरी वाइन स्टॉल पे 30 ml सबको वाइन टेस्टिंग कराते हैं, तो यू कैन कंज्यूम 300 ml ऑफ वाइन। आपकी इच्छा है, करना चाहे तो कर सकते, बट उतना नहीं करना चाहिए। प्लस वहाँ पे 7 फूड स्टॉल रहेंगे, वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का, स्टार्टर्स, मेन कोर्स सब कुछ, तो आपको वो परचेज करना रहेगा। हम लोग जो टिकट आपसे ले रहे हैं, ₹700 की जो टिकट है फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर दी कपल एंड टू लेडीज, इट इज 1200। तो 1200 ये जो भी आपसे जो प्राइस लिया जा रहा है उसमें सिर्फ इंक्लूड है आपके वाइन टेस्टिंग, फूड आपको परचेज करना है। नागपुर वाइन एंड फूड फेस्टिवल मध्य भारत का एकमात्र वाइन इवेंट है, जिसे मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों से आगंतुकों को आकर्षित करने की प्रतिष्ठा, और छत्तीसगढ़ प्रत्येक वर्ष मेले में करीब 2500 से 3000 लोग आते हैं। दर्शकों के लिए त्योहार के माहौल को जीवंत बनाए रखने के लिए लाइव म्यूजिकल बैंड दोनों दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रस्तुति देगा। विशेष रूप से महिलाओं लड़कियों के लिए अतिरिक्त आकर्षण दोनों दिन हमारा ग्रैप स्टॉपिंग इवेंट है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN News नागपुर।